हमारा देश भारतवर्ष विविधता में एकता का प्रतीक है। बारहों महीने हर राज्य में अलग अलग तरीकों से त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी राज्यों में हर महीने कोई न कोई अपना जो उनका प्रादेशिक पर्व है बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे पर्व हैं जो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन वहाँ भी एक तरीका अलग अलग होता है। उसी के तहत बिहार में खास करके मिथिलांचल में ऐसे पर्व होते हैं जो मिथिलांचल में ही मनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस पर्व का काफ़ी महत्व होता है। इसी में एक पर्व है सप्ता बिपता, नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन इस पर्व का एक अलग महत्व है। महिलाएं एकत्रित होकर पूजा पाठ करती हैं और अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश की सुख शांति की कामना करती हैं। खास करके महिलाएं जिन्हें संतान नहीं होता है या किसी प्रकार का कोई उन्हें शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट या पारिवारिक कष्ट है, तो उसके लिए इस पूजा पाठ के तहत मान्यता रखा जाता है और जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो इस प्रकार के पूजा पाठ होता है जिससे कि सुख और शांति परिवार में, समाज में कायम होता है। मिथिलांचल में ये सप्ता और बिपता की जो कहानी है एक अलग तरीके की कहानी है। इसे महिलाएं अपने बाँह में एक सूता और धागा बांधती हैं और मनोकामना करती हैं कि अमुक आदमी का जो समस्या है उसे पूर्ति किया जाए। उसी के तहत यह पर्व त्यौहार मनाया जाता है। ये क्या पर्व है, इसका क्या महत्व है, जो महिलाओं ने पूजा की, जो उन्होंने कहा कि मैं 20 वर्षों से ये पूजा पाठ करा रहा हूँ, इसका क्या महत्व है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। और कितने घंटे का पूजा होता है, इसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? पूजा एक घंटा का होता है और उसमें अपने पूरे परिवार के लिए पूजा किया जाता है और जिनके लिए मानता किया जाता है उनके लिए हाथ में वो डोरा होता है, लाल पियर धागा, वो डोरा हम लोग खरीदते हैं और वो डोरे को जब कथा हो जाने के बाद बाँह में लगाते हैं और पुआ, केला, जितने फल, अंगूर हुआ, सेब हुआ और पुआ तो प्रसिद्ध है, वो सब कुछ ले करके मिठाई हुआ सब कुछ, पान सुपारी कलश रखते हैं, कलश के आगे में सब कुछ अपना नैवेद्य दे करके और कथा कह करके दुभी हाथ में दुभी अक्षत लेकर सब कुछ पूजा अपना करते हैं। होली के दिन ही क्यों किया जाता है ये होली के दिन से शुरू होता है। क्या नाम है पूरे पूजा का? सप्ता माई और सप्ता और बिपता, ये दोनों कौन हैं? दोनों बहन हैं। बहन हैं। हाँ। ये पूजा किसके लिए करते हैं आप लोग? पूरा परिवार के लिए करते हैं लेकिन जिनके लिए मानता रखते हैं, जो कोई आदमी का नौकरी का या किनको लड़का उड़का नहीं होता है इसका मानता जो रखते हैं ना उनके लिए ज्यादा करके होता है। बाकी जो महिलाएं थी वो कहाँ की थी? सब अपने गाँव का, गाँव का, टोले का। अच्छा, तो हाँ। आप क्या मतलब कथा कहती हैं? हाँ, हम कथा कहते हैं। कितने वर्षों से कथा कहती हैं आप? हम ये 200 वर्ष से कथा कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें कितने घंटे का कथा होता है? एक घंटे की। एक घंटे का। हाँ। तो पूरा याद है आपको कथा? पूरा, हाँ, पूरा कथा याद है। अच्छा, तो पूरा जो शुरुआत होता है कथा कहाँ से होता है? पूरा कथा शुरुआत होता है यही फागुन के होली दिन से। क्या हुआ था उसमें? उसमें वो राजा की आंगने में ना एक पहले जो चिड़िया बोलते थे लोग को, उनके आंगने में काम कर रही थी तो वो बोली जो राजा रानी की, जल्दी आप होइए जो हम जाएंगे अपने ये डोरा बांधने के लिए। तो रानी पूछी जो कैसे डोरा बांधती हो? तो लाल पीला धागा लेकर के और पान सुपारी पुआ बड़ी जो होता है केला फल सब लेकर के। अच्छा, तो ये अंतिम जो होता है मतलब अंतिम जो होता है निस्तार, वो जिस रोज रवि सन पावन बोलते हैं। अच्छा, ये चलता रहेगा फिर अभी? हाँ। कब तक करेंगे ये? रवि रवि को। अच्छा, हर रवि को कथा होगा, हर रविवार को। हाँ। और सेम यही पूजा होगा? पूजा यही होगा लेकिन उसमें पुआ नहीं बनेगा उसमें। तो आप इस ये पूजा किसके लिए किए हैं? हम किए हैं कल्याण के लिए किए हैं।